यहाँ के जो शोल्डर मंथ्स हैं जो समर में फॉल करते हैं उसमें लोड पाकिस्तान का बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी जरा नंबर्स भी बताएं कि विंटर का लोड क्या है, वेरिएशन कितनी है, हमारा बेस लोड कितना है। अच्छा, जो बेस लोड आप सप्लाई करते हैं अक्रॉस द ईयर दैट इज 8000 मेगावाट्स, लेकिन समर पीक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस साल आपने 25500 मेगावाट सप्लाई किए हैं, और वो भी जस्ट बिकॉज कि आपने रोटेशनल लोड शेडिंग की है, कुछ एरियाज को आप सप्लाई कम करते हैं थेफ्ट की वजह से या नॉन रिकवरी की वजह से, अदरवाइज जो कंप्यूटेड सप्लाई आपने करनी थी दैट वुड हैव बीन ओवर 31000 मेगावाट्स। तो अब 8000 मेगावाट्स है बेस सप्लाई, 31 आपकी जा रही है कंप्यूटेड पीक, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क है। तो 31 के हिसाब से आप पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, वो पावर प्लांट्स पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं होते, वो आइडल पड़े रहते हैं और उसकी आप कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप अपनी एनर्जी प्राइसेस के अंदर सर्ज को देख रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो विंटर्स और समर में जो डिमांड का फर्क है उसकी बुनियादी वजह कूलिंग लोड है, राइट? बिल्कुल। तो आज वही एक फर्क है कि सर्दियों में आप एसी नहीं चला रहे, गर्मियों में एसी चला रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो वन कैन से कि कूलिंग लोड जो है वो मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन कूलिंग इन द होल एनर्जी कंजम्पशन। तो आप इसका जरा रेजिडेंशियल सेक्टर से रिलेट करें कि हमारा जो डिफरेंस है समर की डिमांड का और विंटर की डिमांड का जो डिफरेंस है, इसको बनाने के लिए हमारी एनर्जी कॉस्ट क्या है, और फिर वो जो हमने उस कूलिंग लोड को बनाने के लिए जो हमने प्लांट्स लगाए हैं सर्दियों में, तो वो फिर यूज नहीं होते होंगे। तो देखें जी, विंटर पीक लोड जो आपका इस साल का था दैट वाज 14500 मेगावाट्स, समर का अराउंड 31700 है, तो ये 18000 का फर्क है। तो 18000 मेगावाट का मतलब है कि आप 1000 मेगावाट के ऊपर ऑन एवरेज $4 बिलियन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो 418000 द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स ऑलमोस्ट $92 बिलियन। यानी कि हमारी जो कूलिंग लोड को बनाने के लिए जो 18000 मेगावाट है उसमें के इलेक्ट्रिक शामिल नहीं है, जो खर्चा है वो इज अराउंड $85 बिलियन, $92 बिलियन। ये तो बहुत बड़ी फिगर है। तो फिर इसमें ये बताएं कि इसको इम्प्रूव करने के लिए, जब एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इस साल फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की और एम्फेसाइज किया कि बिल्डिंग कोड को इम्प्रूव किया जाए और बिल्डिंग कोड को रिवाइज किया जाए, तो पहले तो ये बताएं कि प्रीवियस बिल्डिंग कोड जो 2011 में बना था उसमें क्या प्रॉब्लम था, और उसके बाद जो उसकी रिवीजन हुई उसमें किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया। अच्छा, मैं आपके इस सवाल का जवाब भी देता हूँ, उससे पहले पिछली बात की थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जो विंटर पीक और समर पीक के अंदर डिफरेंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली एयर कंडीशनिंग का फर्क है। तो अगर मैं इसको एक दूसरे नजरिए से बात करूँ उसके ऊपर, कि अगर आप एसी नहीं चलाते गर्मियों पूरी, पंखे भी नहीं चलाते, तो आपका $92 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सेव हो जाते, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको पंखे और एसी ना चलाने पड़े? मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन मुमकिन क्या है कि आप इस कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर मैंने इसको 50% कंट्रोल किया होता, जो कि किया जा सकता है, तो शायद $92 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बजाय मुझे $50 बिलियन इन्वेस्ट करने पड़ते, आई वुड हैव सेव्ड $42 बिलियन। अब जो दूसरा सवाल है आपका कि ECDC क्या है, तो हमारा 2023 के अंदर ECDC इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, तो इनको हमने एक नया ड्राफ्ट आया इसका 2023 के अंदर, तो उसमें जो मैंने भी एक मसला आपको बताया कि अगर हम इस कूलिंग लोड को कम कर सकें तो मतलब बिलियंस के अंदर सेविंग्स आए, इसके ऊपर हमारा फोकस रहा है कि बिल्डिंग्स को कैसे ऐसा बनाया जाए कि उनके उनके अंदर एयर कंडीशनिंग की हमें जरूरत कम पड़े, तो दैट इज टोटली पॉसिबल, और ये लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं।